जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे बयान दे नाल 100% सहमत हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, इहदे च कोई अतकथनी नहीं भी भगत सिंह अतवादी सी ते अतवादी रहूगा। सिमरनजीत सिंह मान दिल्ली दे विच बाया दलील हिंदुस्तान की प्रेस नू हिंदुस्तान के लोगों नू जवाब दे चुके हैं ते दस चुके हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की असेंबली दे विच बंब सुट्टिया। उत्थे ही हौलदार चंद्र सिंह जिहड़ा एक अमृतधारी सिख सीगा उहनू भी मारिया। तो इस तो अलावा होर क्या सबूत दईए, साडियां सिख जथेबंदियां सिमरनजीत सिंह मान दे नाल पूरा इकट्ठा ठोक के खड़ियां हन। तो वह पग तारन का बहुत दूर की गल, वो नेड़े भी नहीं आ सकता। प्रधान साहब बेअंत सिंह सरकार दे वेले पंजाब दे विच उन्होंने कोह कोह के साडे पंजाब दे मुंडे मारे, क्या वह अतवादी नहीं सीगे? मरवाउण वाले बेअंत सिंह अतवादी नहीं सीगा जिन्हें साडे पंजाब दे मुंडे मरवाते? किन्ने शहीदियां लोगों दीआं होईआं, उन्हां नूं अज तक साडी पंजाब दी सरकार सेंटर दी सरकार शहीद नहीं मंनदी। साडे मुंडे जेलां दे विच सजाई हो गए, उन्हां नूं छड्ड नहीं रही। हिंदुस्तान की गौरमेंट बीजेपी की होवे, अकाली दल बादल बिच रहा बीजेपी के, अज तक उन्होंने गल क्यों नहीं करी? अज वो बंदी सिंह की गल करते हैं। पंजाब दे विच कई दिनों तो सियासत भखी हुई है। दस दिन कि सिमरनजीत मान वालों एक बयान दिता गया कि भगत सिंह अतवादी ने, क्योंकि अतवादी ने, उन्हां वालों क्यों बयान दिता गया कि जिहड़ा असैंबली दे विच बंब सुट्टिया गया सी, दूजे पासे कई पुलिस मुलाजमान नूं मारिया गया, तां करके इदां दी बयानबाजी की गई। उस तो बाद जाके लगातार बयानबाजियां विरोधी पार्टियां वालों हो रही ने, कई लोगों वालों कहा जा रहा है कि सिमरनजीत मान नूं माफ़ी मंगनी चाहिए इस बयान के उत्ते, जां फिर इह बयान वापस लेना चाहिए। पर सिमरनजीत मान लगातार स्पीचां दे विच इह कह रहे ने कि मैं अपने इस बयान के उत्ते अटल हाँ, मैं बड़े सोच समझ के बयान दिता है। पर इस लैके दस दें कि कल खटकर कलां दे विच भी कुछ लोगों वालों सिमरनजीत मान का विरोध किया गया। उत्थे यह भी गल आखी गई सी एक बंदे वालों कि सिमरनजीत मान की अगर कोई पग उतार के लिया तो उसनों 5 लाख रुपया इनाम दिता जाएगा। तो उस तो बाद जाके सिमरनजीत मान के बंदियां वालों ही विरोध किया जाता है। FIR दर्ज भी उन्हां बंदियां ते करवा दी जिन्हां बंदियां ने पग उतार की गल की गई सी। साढ़े नाल सिमरनजीत मान दे पार्टी दे जनरल सकत्तर हरमेश बलौदी साडे नाल ने गलबात करदे आ। भाई साहब, जिहड़ा सिमरनजीत मान ने बयान दिता है कि भगत सिंह अतवादी सी, तुसीं उन्हां दे बयान दे नाल सहमत हो तुहाडी पार्टी दे, क्योंकि MP बन गए ने हुण? असीं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सिख जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे बयान दे नाल 100% सहमत हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, इहदे च कोई अतकथनी नहीं भी भगत सिंह अतवादी सी ते अतवादी रहूगा ते अतवादी हैगा सी। पर लोग कह रहे हैं, कई पार्टियां जो विरोधी ने थोड़ियाँ, वो कहते कि भगत सिंह ने आजादी दौरान दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया, भगत सिंह ने जिहड़े साडे वास्ते शहीदी दी है, आज़ादी उन्होंने दवाई है। फिर तुसी किहड़े बेस ते कह रहे हो कि अतवादी है? वो इसका पार्टी प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान दिल्ली दे विच बाया दलील हिंदुस्तान की प्रेस नू हिंदुस्तान के लोगों नू जवाब दे चुके हैं ते दस चुके हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की असेंबली दे विच बंब सुट्टिया। ते उत्थे ही हौलदार चंद्र सिंह जिहड़ा एक अमृतधारी सिख सीगा उहनू भी मारिया। ते इस तों अलावा होर क्या सबूत दईए? पर एक कल जिहड़ा तुसीं भी देखिया होना खटकल कलां दे विच भगत सिंह दे स्थान दे उत्थे जाके सिमरनजीत मान दा विरोध भी किया गया, पुतला साड़िया गया, 5 लाख रुपए का इनाम भी देने का ऐलान कर दिता कि उस बंदे नूं 5 लाख रुपए इनाम दिता जाएगा जो सिमरनजीत मान की पग उतार के लियाएगा, उसके मुँह ते उत्ते थप्पड़ मार के आएगा। ये गल्लां दे विच कोई सच्चाई नहीं, प्रधान साहब दे नेड़े मक्खी नहीं फटक सकदी। अकाली दल अमृतसर ते साडियां सिख जथेबंदियां सिमरनजीत सिंह मान दे नाल पूरा इकट्ठा ठोक के खड़ियां हन। तो वह पग तारन का बहुत दूर की गल, वो नेड़े भी नहीं आ सकता प्रधान साहब दे। पर बंदे कौन ने जिहड़े विरोध कर रहे ने? क्योंकि उस तो बाद जाके दस्या जा रहा कि वह व्यक्ति अपने घर नूं ताला लग चले गया जदों तो थोड़े पार्टी वालों FIR दर्ज करवाई गई है। सियासत दे विच बेअंत सिंह सरकार दे वेले पंजाब दे विच उन्होंने कोह कोह के साडे पंजाब दे मुंडे मारे, क्या वह अतवादी नहीं सीगे? मरवाउण वाले बेअंत सिंह अतवादी नहीं सीगा जिन्हें साडे पंजाब दे मुंडे मरवाते? किन्ने शहीदियां लोगों दीआं होईआं, उहनां नूं अज तक साडी पंजाब दी सरकार सेंटर दी सरकार शहीद नहीं मंनदी। साडे मुंडे जेलां दे विच सजाई हो गए, उहनां नूं छड्ड नहीं रही, चाहे हिंदुस्तान की गौरमेंट BJP की होवे, अकाली दल बादल बिच रहा BJP दे, अज तक उन्होंने गल क्यों नहीं करी? अज वो बंदी सिंघां दी गल करदे आ, ठीक है नी, अज तक नहीं बोले वो। कांग्रेस की सेंटर दे विच सरकार रही, पंजाब दे विच सरकार रही, अज रवनीत सिंह बिट्टू यह बगैर मतलब तो कह रहा भी मान साहब नूं, भी मान साहब
खतरा पैदा हो गया। मान साहब ने यह जहाँ केड़ा खतरा पैदा करता उत्थे जाके, वो घबरा गए। सियासत दे विच सिमरनजीत सिंह मान दा अज लोकां वल्लों साथ देण तों बाद उन्हां नूं अपना पाला वढ वढ खा रहा, चाहे आम आदमी पार्टी होवे, चाहे अकाली दल बादल होवे, चाहे कांग्रेस पार्टी होवे, चाहे बीजेपी होवे। बयान देने की लोड़ की पई है, क्योंकि इन्नी देर तो आज़ादी मिली हुई है, 1947 के करीब की आज़ादी है, पर हुण जाके सिमरनजीत मान ने थोड़ी देर पहला भी बयानबाजी की सी कि भगत सिंह अतवादी है, दूजे पासे हुण फिर जाके MP बनने तो बाद भी की लगता कि इशारा कोई होर है सियासत तरीके दे नाल दिता बयान है? नहीं, अजिही कोई गल नहीं, वह पुराना ही बयान है प्रधान साहब का, अज की कोई नवी गल नहीं हैगी। ठीक है ना, वह बाया दलील बसी कोर्ट ने उन्होंने बाया दलील बाया इज्जत बरी किया है उस बयान के, असी प्रूफ भी दे सकते हैं। ये सारिया गलों च कोई सच्चाई नहीं। आने वाले दिनों के जिस तरीके विरोध हो रहा, जिस तरीके भी गल् कही जा रही, एक BJP की किसी आगू ने FIR दर्ज भी करवाई है सिमरनजीत मान के उत्ते, तो लगता कि वापस लिया सकते हैं बयान अपना, या फिर जिस तरीके माफ़ी मंग सकते हैं सिमरनजीत मान, क्या लगता? बिल्कुल, प्रधान साहब कोई माफ़ी नहीं मंगणगे, यह तो गमराह कर एक चाल है इन्हों दियाँ, ये तो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, इन्हों का कुछ नहीं बनना, इन्हों संगरूर की संगत दस चुकी है, नकार चुकी है सारिया पार्टियां, चाहे BJP पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि झूठ बोल के सत्ता इन्होंने प्राप्त की, इन्हों दिख रहा भी साढ़े पैरों थल्यों जमीन खिसक रही है। BJP के जिस आगू ने FIR दर्ज करवाई है थोड़े सिमरनजीत मान के उत्ते, उन्होंने वालों दसया गया कि असैम्बली में भी खतरा हो गया सिमरनजीत मान तो, दूजे पासे जिहड़े संगरूर के लोगों ने उन्हें जिता के भेजे बहुत बड़ा खतरा मुल उन्होंने भी ले लिया कि कट्टड़वाद सोचते हैं खतरा बन सकता पंजाब वास्ते। वो तो बाया दलील असी जवाब दे देंगे, जिन्हें पहला इन्होंने जिन्होंने पहला गए हुए असैम्बलियां दे विच हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने आकर घेर ली, बंगलादेश दे विच की हो रहा, पाकिस्तान वाले रोजाना इन्हों टक्करा मार रहे, चीन इन्हों रोजाना टक्करा मार रहा, इन्हों तो रोकया तो कोई जाता नहीं। मान ने कि इन्होंने गोलियां चलातियां जिहड़े कहने अज सानू खतरा पैदा हो गया, ये तो बस एक सियासत नू चमकाउण वास्ते तरलो मच्छी हो रहे हैं। अच्छा, होर भी जिहड़े उस आज़ादी दे विच काफ़ी योधे होए ने, भावें राजगुरु सुखदेव ने, करतार सिंह सराभ है, होर भी कई इदां दे योधे होए ने, उन्हां नूं क्यों नहीं अतवादी कहा? भगत सिंह नूं क्या लोड़ पैगी? क्या लगता कि ज़्यादा चेहरा चमकता सी भगत सिंह दा, जिस नूं जिहड़ा दस्या जा रहा है कि लोगों वल्लों कि सिमरनजीत मान उन्हां नूं लैके ज़्यादा सियासत कर रहे हैं? नहीं, अजिही कोई गल नहीं, प्रधान साहब कोई सियासत नहीं कर रहे, वो तो बाय दलील यह गल दस रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान के लोगों को हजमे नहीं हो रही, वो आने वाले दिनों असी लिखती जवाब भी इन्हों दे देंगे। अच्छा, लगता कि जिस तरीके हूँ तक शहीदी का दर्जा भगत सिंह नहीं दिता सी, कितने वो तो नहीं इशारा कि सिमरनजीत मान का कि उन्होंने विधानसभा के मता पवाया जाए, कि आम आदमी पार्टी की हूँ बहुमत बनया हो कि उस दे विच जाके मता पवा के शहीद का दर्जा दवाने का इशारा हो? नहीं, इन्ह गल कोई सच्चाई नहीं, अज तक सिखां संत जरनैल सिंह खालसा भिंडर वालों भी अतवादी दसते रहे हैं। ठीक है, इन्होंने संतान भी सिख कौमे शहीद का दर्जा दें, संतान भी नहीं दिता। ठीक है ना, इन्ह गल कोई सच्चाई नहीं। तो किवें देखदे हो कि आने वाले दिनों के होर लगता कि सिमरनजीत मान को लोगों के विरोध का सामना करना पवेगा? थोनों भी लगता कि जिस तरीके जगह जगह जो पुतले उसाड़े जा रहे हैं, थोड़ी पार्टी को तो थोनों विरोध का सामना करना पै सकता पिंडों के? नहीं, कोई अजिही गल नहीं, लोग साढ़े नाल हैं, सारी सच्चाई सामने आजूगी, कोई विरोध का सामना नहीं करना पैना। वो तो कुछ लोग हैं, मुठ्ठी भर लोग हैं जो साडा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जमीन खिसकती अपनी पैरों हेठों दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल, तुम देख सकते हो कि सन जनरल 71 अकाली दल के जिहड़े दस दिंदे आ कि अमृतसर के जिहड़े सिमरनजीत मान के पार्टी के हरमेश बड़ौदी जिन्हां वल दस्या गया सिमरनजीत मान ने बड़े सोच समझ के बयान दिता है कि भगत सिंह बारे, तो उन्होंने वालों ये भी दस्या गया कि कदे भी सिमरनजीत मान अपने बयानों तो पिछे नहीं हटे, कदे माफ़ी नहीं मंगी, हुण भी सिमरनजीत मान कदे माफ़ी नहीं मंगणगे। जिहड़े लोग कुछ विरोध कर रहे हैं वो कुछ जाण बुझ के सिमरनजीत मान नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे हैं, पर दूजे पासे सिमरनजीत मान दा जगह जगह के पुतले भी साड़े जा रहे हैं, कई जगह विरोध भी किया जा रहा है। पर दस दें कि 5 लाख का कल इनाम देने दे भी एक व्यक्ति ने गल कही सी, उस तो बाद उसके उत्ते परचा भी दर्ज करवा दिता है सिमरनजीत मान के आगुआ ने। तो हुण देखते हैं जिस तरीके पंजाब की सियासत पक्की हुई है, तो किहड़े पासे यह मामला लगता है, क्योंकि एक पासे शहीदी का दर्जा देने नूं फिर रहे हैं पंजाब के लोग, विधानसभा विच मता पवाउण नूं फिर रहे हैं, दूजे पासे सिमरनजीत मान अतवादी कह रहे हैं। तो हुण देखते हैं जिस तरीके ये बयान सियासत दे नाल जुड़िया होया, जां फिर सिमरनजीत मान का कोई होर इशारा है जिहड़ा ये बयान के उत्ते लगातार सियासत पकी हुई है। तो देखते हैं हुण आने वाले दिनों में इसका सिट्टा की निकलता है। थोड़े नाल कैमरामैन सुमित दे नाल हरतेज सिंह तेजी, HN1 न्यूज़, न्यू चंडीगढ़।